स्टूडेंट्स, पिछले हमने चैप्टर में देखा था, पिछले पार्ट में, कि स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश, इसी दोनों पर वीडियो खत्म हो गई थी। तो हम यहाँ पर अब फिर जो शुरू करते हैं, वो सदिश का अगर किसी संख्या में गुणा होता है तो क्या असर पड़ता है। मतलब कि अगर सदिश है कोई, सदिश का अचर, अचर मान लिया हमने, वो अचर क्या है, लैम्डा है, अचर से गुणा। अचर का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर हम लैम्डा को जो है ज़ीरो नहीं लेंगे, लैम्डा को ज़ीरो नहीं लेंगे, क्योंकि लैम्डा से ज़ीरो करेंगे तो ये शून्य सदिश बन जाता है, उसको अभी हमें बाद में पढ़ना है। तो सदिश का मान लीजिए ये कोई सदिश है हमारे पास ए, इसमें हमने क्या किया, अगर हम लैम्डा, लैम्डा की जगह हम कोई भी अंक ले सकते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे कोई भी अंक ले सकते हैं। तो अगर हम इस लैम्डा में से कोई भी एक अंक उठा करके इसमें गुणा करते हैं, एक चीज़ मैं आपको बता दूं फिर से कि अगर हम वेक्टर ए लिखते हैं तो इसके परिमाण को हम मॉड ए में दिखाते हैं। मतलब ये कि वेक्टर ए का ये बस मॉड है, इसमें कहीं हमने दिशा नहीं दिखाया है, और मॉड का मतलब ये हुआ कि उसका संख्यात्मक मान से मतलब है, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, अगर इसमें हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो ये जो सदिश होता है उस संख्या के इतना गुना में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, जबकि उसकी दिशा वही रहती है। मान लीजिए ये जो 3 मीटर का है ये सदिश, ठीक है, हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, 3 मॉड में है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, 9 मीटर। यानी अब इसकी लंबाई कितनी हो गई, 3 गुना हो गई, लेकिन उसकी दिशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसकी लंबाई तो बढ़ जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, लेकिन इसकी दिशा क्या रहेगी हमारी, वेक्टर ए क्या हो जाएगा, 3 ए हो जाएगा, लगभग 3 गुना हो जाएगा। और इसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, दिशा क्या होगी, समान होगी। ये हो गया हमारा अगर हम किसी संख्या से गुणा करते हैं जिसमें लैम्डा क्या हो, अचर राशि है, अचर राशि का मतलब 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि सदिश को जोड़ना घटाना क्या होता है। सदिश का जोड़, सदिश का जोड़, देखो सदिश को जोड़ने के लिए दो विधियाँ होती है। फर्स्ट विधि होती है हमारी त्रिभुज, और जो सेकंड विधि होती है वो समांतर चतुर्भुज की होती है। तो फर्स्ट जो विधि है वो हमारी, पहले हमको यहाँ पर जाननी है त्रिभुज विधि, त्रिभुज विधि। त्रिभुज विधि क्या विधि होती है कि जिसमें त्रिभुज बना करके सदिशों का योग करते हैं। माना हमने कि ये हमारे पास कोई सदिश ए है, ठीक है। एक चीज़ और देखना, त्रिभुज विधि को ही हम बोलते हैं हेड टेल मेथड, शीर्ष पूछ विधि, हम इसको बोलते हैं हेड और टेल, हेड टेल मेथड बोलते हैं। और हेड टेल मेथड में ये तीर में ये क्या होता है, टेल पूछ होती है, ठीक है, और ये वाला क्या होता है, हमारा हेड होता है, यानी कि शीर्ष होता है। तो ये मान लो एक ये सदिश ए हो गया, और ये हो गया मान लो हमारा सदिश बी हो गया। इन दोनों को अगर जोड़ना हो तो हम पहले वाले सदिश को ज्यों का त्यों रख देंगे, पहले के हेड पर, यहाँ से याद करो, पहले के हेड पर दूसरे का टेल, यानी दूसरे का टेल कुछ इस तरीके से रखेंगे हम इस पर, ठीक है, पहले के हेड पर दूसरे का टेल, और फिर इसके लास्ट में जो मिल रहा है और इसके पहले वाले से हम इसको मिला देंगे, तीर हम इधर बनाएंगे लास्ट में जो हमारा मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, वेक्टर ए है, ये हमारा क्या है, वेक्टर बी है, और ये हमारा क्या है, वेक्टर आर, आर का मतलब रिजल्ट, जो किसके बराबर है, वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी के। आसान है, कुछ नहीं करना है आपको, हेड के ऊपर टेल रख देना है। जैसे मान लो एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये मान लीजिए ए हो गया, एक मैं और ले लेता हूँ कोई एग्जांपल भी, मान लीजिए ये हमारा कुछ ऐसे हुआ कि वेक्टर ए हमने लिया, ठीक है, और एक हमने क्या कर लिया, यहाँ पर ले लिया वेक्टर बी। तो हमने एक चीज़ और बताया आपको, एक चीज़ और देखो, ये जो सदिश होता है, सदिश ज्यों का त्यों, मतलब जिस दिशा में है, जिस साइज में है, आप उसको उसी तरीके से शिफ्ट कर सकते हो। मतलब इसको उठा करके ऐसे कहीं खिसकाना हो, ऐसे खिसकाना हो, तो सेम हम इसको खिसका सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा ये बी है, अगर इसको जोड़ेंगे तो हम पहले क्या करेंगे, ए को बनाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, ए को बनाएंगे वेक्टर
ए। अब बी को क्या करेंगे, पहले का हेड दूसरे का क्या टेल, टेल है ना, तो इस टेल को हम जरा सा नीचे खिसका दें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा क्या वेक्टर बी। अब जो लास्ट में मिला है, लास्ट में जो मिला हेड और पहले का क्या टेल, इनको मिला देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा वेक्टर आर, आर का मतलब रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब परिणामी, ये हमारा क्या हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये सदिश का जोड़ने का तरीका है, ठीक है। अब सदिश का घटाना देखेंगे हम, सदिश का घटाना मतलब अगर आपको जोड़ना आ रहा है तो सदिश का घटाना भी आपको आ गया, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, बस हल्का सा अंतर है। जैसे मैं ये कहूँ सदिश का घटाना कुछ होता ही नहीं है, जोड़ना ही होता है, बस दिशा बदल देते हैं उसमें। देखो जो घटाना अगर हम लेंगे सदिश का, हम सीधा बस लिख रहे हैं छोटे में तो आप समझ जाना, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा क्या है वेक्टर बी है, वेक्टर का मतलब सदिश, इन दोनों को अगर घटाना होगा मतलब हमको ज्ञात क्या करना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यही ज्ञात करना है हमको। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। एक चीज़ ध्यान दो आप लोग, इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो ये बी है माइनस प्लस जब ब्रैकेट टूटेगा यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने का ये मतलब है कि लास्ट में हमारा ये मिलेगा क्या वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी ही मिलेगा। मतलब यहाँ से ज़रा सा देखो आप लोग, तो करना क्या है हमको, किसी भी सदिश का अगर हम दिशा बदल दें तो उसका चिन्ह बदल जाता है। मतलब ये सदिश क्या है ऊपर है वेक्टर बी, अगर हम यहाँ से माइनस बी लेना चाहें, क्या चीज़ माइनस वेक्टर बी, तो हम क्या करेंगे कुछ नहीं, बस इसकी दिशा क्या होगी हमको बदल देनी है, ऊपर का नीचे कर दें। अब हम इन दोनों को जोड़ दें, वेक्टर ए में प्लस कर दें माइनस बी को, तो क्या मिल जाएगा हमारा ए माइनस बी। मतलब कुछ नहीं, घटाने का मतलब आप बाद वाले सदिश को उल्टा करके बस जोड़ दो इन्हीं दोनों को, इनको तो हमको नहीं जोड़ना है, इसको जोड़ना है हमको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको जोड़ने के लिए, वेक्टर ए हमने लिया यहाँ पर और वेक्टर बी का मतलब यही है ना, तो इसको हमने क्या किया यहाँ लगा दिया, क्योंकि पहले के हेड पर दूसरे का क्या जुड़ेगा हमेशा टेल जुड़ेगा, और ये क्या माइनस है, ठीक है। तो हमने क्या किया इसको जोड़ दिया, ये हमारा वेक्टर आर, ये क्या है वेक्टर ए माइनस है ना, वेक्टर प्लस नहीं है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हमको निकालना है, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, ये हमारा क्या हो गया घटाना। तो जोड़ना और घटाना हो गया सदिश का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसकी जो है त्रिभुज मेथड हो गया, अब हम क्या करते हैं इसमें पैरेललोग्राम और समांतर चतुर्भुज की विधि जो बची है हम उसको भी बता दे रहे हैं। देखो अगर मान लीजिए हमारे पास वही दो समांतर चतुर्भुज नियम, समांतर जहां मैं लिख रहा हूं, अगर आप चाहो तो अपनी वीडियो वहां पर स्पीड में करके भगा सकते हो, समांतर चतुर्भुज नियम, इसमें क्या करना है, ये मान लीजिए हमारे पास मिला वेक्टर है, यहाँ पर हमको क्या मिला वेक्टर बी, इन दोनों को अगर जोड़ना है तो हम इसको एक चतुर्भुज के माध्यम से जोड़ते हैं। चतुर्भुज के माध्यम से जोड़ने का ये मतलब समांतर चतुर्भुज, पहले हम क्या करते हैं इन दोनों को टेल से टेल मिलाने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना आप लोग जरा, टेल एंड टेल, ये चीज़ें आप लोग ध्यान दो जरा, लिखते रहो टेल से टेल किस में, समांतर चतुर्भुज में। मतलब ये तो हमने बनाया यहाँ पर ए, ठीक है, और बी को हमने इसके ऊपर रख दिया, देखो ये टेल ये टेल, तो इसको हम क्या करें यहीं पर शिफ्ट कर दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बी, ये क्या आ गया हमारा वेक्टर बी। अभी ये जुड़ा नहीं है, ठीक है ना, अभी ये जो है जुड़ा नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे जरा सा देखो, इसके समांतर का मतलब ऐसे, इसके समांतर सीधी लाइन एक खींचेंगे, ठीक है ना, ऐसे खींचेंगे समांतर, ठीक है, सीधी लाइन खींचेंगे और एक लाइन इसके समांतर इधर खींचेंगे और इसको हम क्या करेंगे मिला देंगे, ठीक है। यानी हमने जो लाइन खींची
वो हमने क्या किया, इसको एक समांतर लाइन हर दोनों भुजाओं के समांतर हमने एक एक लाइन खींची, इसके समांतर यहाँ खींची, इसके समांतर हमने यहाँ खींची। वो हम इसका नाम भी ले सकते हैं, कोई पी क्यू आर यस मान लिया, ये हमने क्या है कोई, और ये जो दोनों हैं मान लो इनके बीच का, देखो अब क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ इसमें जो हम मिला रहे हैं ना, ये जो मिला रहे हैं जरा ध्यान दो, ये जो मिला रहे हैं यही हमारा क्या होता है, इसका परिणामी होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। देखो आप सिंपल सा इस भुजा को हम यहाँ मान सकते हैं, सेम लंबाई का है, हमने अपने पास से खींचा, तो जरा ध्यान दो अगर इसको हम बंद कर दें, इतना ढक लें, तो ये भी तो त्रिभुज का नियम है, त्रिभुज बन जा रहा है, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, ए प्लस बी मिल रहा है। तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वो मिल के आ रहा है, इसे समांतर चतुर्भुज के डायगोनल विकर्ण हमको दे रहा है, इसका परिणामी दे रहा है, ठीक है। और इसका अगर एक चीज़ और भी होता है कि इन दोनों का अगर परिणामी निकालना होता है हमको, तो इसका फार्मूला एक होता है कि ये जो हमारा ए और बी वेक्टर है ना, इन दोनों के परिमाण मान लो ए और बी हैं, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ऐसे होता है रूट में, तो ये हमारा हो जाता है ऐसे आर बराबर रूट ए रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये हमारा आ गया यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का नियम हो गया। अब जो है वो दो हमको सदिश पढ़ने हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शून्य सदिश और एक होता है एकांक सदिश। एक चीज़ उसके पहले एक चीज़ छोटे से हम जान लेते हैं चीज़ें, एंगल सदिशों के बीच में सदिशों के मध्य कोण, सदिशों के मध्य कोण ये कैसे निकालते हैं, इसमें दो मेथड होते हैं, एक तो हमारे पास हेड मेथड होता है, और दूसरा हमारा होता है टेल मेथड होता है हमारा, ठीक है, मतलब मेथड का मतलब विधि होती है, ठीक है। तो ये दोनों दो विधियाँ हैं हमारी, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं हेड का मतलब वही सेम हम बार बार ले रहे हैं हम, ताकि आपको समझने में आसानी रहे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का अगर हमको क्या निकालना है, कोण निकालना है, तो या तो हम इनके हेड से हेड जोड़ेंगे, या तो हम इनके टेल से टेल जोड़ेंगे। तो दो तरीके हैं, अगर हम इनके हेड से हेड जोड़ना चाह रहे हैं, तो देखो वेक्टर ए है ऐसा कुछ, वेक्टर ए कुछ ऐसा है, हमने इसको हेड से जोड़ना है, तो हम क्या करें, इसको शिफ्ट नीचे ला दें बस, ठीक है ना। अब ये हमारे बीच का यहाँ का जो थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, दो सदिश के मध्य कोण। हमने क्या मिलाया, हेड से हेड, ऐसे हम मिला ले टेल से टेल, मतलब कि ऐसे कुछ कर ले हम, मान लिया हमने दो सदिश कुछ इस तरीके के हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनके बीच का कुछ कोण है, और ये दोनों यहाँ पर क्या है, दोनों का क्या मिला है, टेल से टेल मिला है, यहाँ पर हेड से हेड मिला है, तो इन दोनों के मध्य मान लो जो थीटा कोण। एक चीज़ और ध्यान देना आप लोग इसमें, थीटा जो है हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा और 180 के बीच में रहेगा जी, मतलब देखो एक रेखा पर क्या होती है, हमेशा 180 का कोण बनता है, तो इन दोनों के बीच का जो हम थीटा लेंगे वो हमेशा या तो जीरो और 180 के बीच रहेगा। जैसे मेरी बात सुनो, जरा समझो, मान लो ये दो सदिश हमने ले लिया, ए हमने ले लिया वेक्टर ए और ये हमने ले लिया वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा, 90, हमने एक दूसरे के परपेंडिकुलर लिया है, ठीक है 90। अब यहाँ पर क्या, दोनों का टेल से टेल जुड़ा हुआ। एक चीज़ और बताओ आप, इन दोनों के बीच में कि ये भी तो कोण आ रहा है, ज़रा ध्यान दो, तो जैसे हम ये कह रहे हैं यहाँ तो कोण आया ये वाला, लेकिन ये भी तो एक कोण मिल रहा है, तो एक पूरे गोले पर 360 का जो है ना कोण बनता है, ये याद होना चाहिए, नियम होता है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पर 360 बनने का ये मतलब है, अगर ये 90 हुआ तो बाकी का कितना हो जाएगा हमारा, 270 होगा, मतलब देखो 90 है पूरा, कितना 360, तो 360 में से अगर हम 90 घटा दें तो कितना हो जाएगा 270, यानी ये वाला जो कोण है वो कितना है 270 डिग्री।
तो ये बताओ ये वाला कोण क्यों नहीं ले रहे हैं हम, दोनों के मध्य जबकि यहाँ भी टेल से टेल जोड़ा गया है तो क्यों नहीं ले रहे हैं 270? क्यों? क्योंकि कोण हमेशा हमारा कितना होना चाहिए, जो छोटा वाला कोण मिले। दो कोण मिल रहे हैं, एक 90 का और एक 270 का, तो जो छोटा वाला कोण होता है यानी कि जो लघु कोण जो होगा, शॉर्टेस्ट जो लघु कोण होगा वही आपका क्या हो जाएगा, इसे सदिशों के बीच का क्या होगा, एंगल होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं, फिर देखो आप लोग, चलो दोनों मेथड वही सेम है, आप ध्यान देना। हेड से हेड हमने देखो यहाँ पर भी मान लो, ये सपोज मान लो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 60 है, ठीक है 60। तो इसके इधर वाला जो कोण होगा वो कितने का होगा, 300 का होगा, क्योंकि पूरा 360 ये हमारा मिल गया 60, तो जो बचा वो 300, लेकिन यहाँ पर कोण हमारा 300 नहीं होगा, क्या होगा, 60 होगा। क्यों? क्योंकि ये छोटा है और 0 से लेकर के 180 के मध्य में होना चाहिए, मतलब जहाँ आपका कोण 180 से ऊपर जा रहा है समझ लो वो नहीं है, जो दूसरा वाला बचेगा वो होगा, ठीक है। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब जो अगला पढ़ना है ना हमको, वो पढ़ना है जीरो वेक्टर और यूनिट वेक्टर, और मेरे ख्याल से दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट हैं। और इसके बाद अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं शून्य सदिश, शून्य सदिश। शून्य सदिश होता क्या है, जैसे देखिए ऐसा सदिश, इसके नाम से स्पष्ट है कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, जिसका परिमाण जो है शून्य हो और दिशा निर्धारित न हो। दिशा तो हो, इसका खुद का कोई ना कोई दिशा हो, बट इसकी दिशा निर्धारित न हो, क्योंकि इसका परिमाण जब शून्य है, एक बिंदु पर है, हम ये कह रहे हैं ये है शून्य है बिंदु पर, इसका कौन सा हम दिशा लेंगे, इसकी दिशा होगी सदिश है तो चूंकि कहीं ना कहीं दिशा होगी, ये सदिश है, शून्य सदिश हमने नाम ही इसका रख दिया, ये शून्य सदिश, ठीक है। जैसे कोई यहाँ पर जानवर है, हम ये कह दें कि ये जानवर चीता है, तो जाहिर सी बात है कि हम जब बोल दिए चीता है तो चीता है ही है, ठीक है, मतलब हमने इसको जो जानवर का नाम दे दिया तो वो जानवर है ही, अब भले वो लूला हो लंगड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे हमने बोल दिया कि ये जो बिंदु है ये शून्य सदिश है, ये सदिश है ही, तो इसके नाते इसका परिमाण शून्य होगा और दिशा होगी कोई ना कोई, लेकिन निर्धारित नहीं होगी क्योंकि एक बिंदु पर है, तो कोई इसकी दिशा निर्धारित हो ही नहीं पाएगी। तो इसका परिमाण क्या होगा, शून्य होगा, लेकिन दिशा क्या होगी, अनिर्धारित होगी या फिर निर्धारित नहीं होगी, निर्धारित नहीं होगी। ये मिल कैसे सकता है, दो कंडीशन में मिल सकता है। फर्स्ट ये कि दो सेम परिमाण के, समान परिमाण के विपरीत दिशा के सदिश को जोड़ा जाए। जैसे देखो आप जरा सा, हम ये कह रहे हैं यहाँ पर एक हमने ले लिया वेक्टर ए और एक और हमने ले लिया यहाँ पर वेक्टर ए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो दो हो जाएगा, समझ में आ रहा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस ए को ऐसे ना करके ना, हम सेम परिमाण का है, हम क्या कर रहे हैं, दिशा बदल दे रहे हैं। दिशा बदलने का मतलब ये तो हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए, दिशा बदलने का मतलब उसका चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है, चिन्ह बदल जाएगा। अब वेक्टर ए है, इसका चिन्ह हमने बदल दिया तो अब ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में ना होकर के क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए, इसका मतलब क्या हो गया, जीरो। तो ये क्या हो गया, हमारा शून्य सदिश मिल गया यहाँ पर, मतलब शून्य आया। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि कोई सदिश हो हमारा, वेक्टर ए बी सी डी कुछ भी हो, कोई सदिश है हमारा, इसमें हमने क्या कर दिया, शून्य से गुणा कर दिया। तो जब शून्य से गुणा कर दिया तो जाहिर सी बात है ये क्या आ जाएगा, शून्य आएगा। अब जब शून्य आ गया तो ये क्या हो गया, शून्य सदिश हो गया, यानी ऐसा सदिश कि जिसका मान तो हो क्या, शून्य, जिसका परिमाण शून्य हो लेकिन उसकी दिशा ना हो। क्यों? चूंकि हमने उसको सदिश बोला तो कोई ना कोई दिशा तो होगी लेकिन उसकी दिशा निर्धारित नहीं होगी। अब जो अगला है वो है एकांक वेक्टर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये हर, इसका यूज हम ना हर जगह लेंगे, आप सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर में ही इसका यूज पाओगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकांक सदिश क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, एक अंक सदिश, यानी कि जिसका अंक एक हो, संख्या एक हो, परिमाण एक हो, ठीक है। ऐसा सदिश कि जिसका परिमाण कितना हो, ये तो एक होता हो, परिमाण एक हो, और जिसकी दिशा
जिसकी दिशा किसी राशि के अनुदिश हो, मतलब इसकी खुद की तो दिशा होती है लेकिन ये किसी दूसरे राशि के अनुदिश होता है और दूसरे की दिशा बताने के लिए इसका एकांक सदिश का उपयोग दूसरे राशि की दिशा बताने के लिए किया जाता है। और ऐसे में देखो होता क्या है, इसको हम जो है इसे हम एन कैप से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम एन कैप से प्रदर्शित करते हैं। देखो आप लोग नोट के लिए कमेंट कर देना, मैं नोट भेज दूंगा आप लोगों को, नीचे डाल दूंगा, पीडीएफ फॉर्म में डाल दूंगा, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, कमेंट करना अगर इसका नोट चाहिए तो। एन कैप से प्रदर्शित करते हैं। अब एक चीज़ देखो जरा सा, एन कैप क्या है, एकांक सदिश, यानी जहां हमको, अब सपोज एक एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं बेटर ढंग से। मान लो हमारा कोई बल है, एफ है कोई बल, अब बल को दिखाने के लिए बल का हमको क्या क्या चाहिए, सदिश है अगर तो सदिश को दिखाने के लिए क्या चाहिए, उसका परिमाण चाहिए और क्या चाहिए, दिशा चाहिए। ठीक है, परिमाण चाहिए और दिशा चाहिए। तो हमने कहा परिमाण को हम हमेशा मॉड में क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। वेक्टर एफ का परिमाण हमने क्या लिया, मॉड एफ लिया, और यहाँ पर वेक्टर एफ। दिशा, दिशा हमने कहा कि एन कैप जहाँ लगा देंगे, ये एन कैप होता क्या है, एन कैप होता है किसी दूसरे भौतिक राशि की दिशा बताता है। तो ये एन कैप को अगर हम यहाँ लगा देंगे तो ये एन कैप क्या करेगा, इस एफ वेक्टर की क्या बताएगा, दिशा बताएगा। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि चूंकि देखो परिमाण भी हमने दिखा दिया और दिशा भी दिखा दिया, तो इससे अगर हम एन कैप यानी इस एकांक सदिश की वैल्यू निकालना चाहें तो एन कैप की जो वैल्यू होगी वो इतना, वेक्टर एफ अपॉन मॉड एफ। ये जो है ना, ये जो फार्मूला है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब जो देखो यही है हमारा यूनिट वेक्टर, वेक्टर एफ मॉड एफ, ये अगर निकाल दिया हमने तो समझो कि उसका एकांक सदिश हमने निकाल दिया। एकांक सदिश कहाँ लगाते हैं, किसी भी चीज़ की दिशा व्यक्त करने के लिए लगाते हैं। अब इसके साथ साथ में हम दो चीज़ें ज़रा जल्दी से बता देते हैं आप लोग। एकांक सदिश हो, एकांक सदिश जो है, अगर मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है। ठीक है, जो ये हमारा क्या होता है, वो होता है ओरिजिन, 0,0 इसका निर्देशांक होता है, मूल बिंदु होता है। अगर हम ये कहें एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश को हम लिखते हैं आई कैप से, वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश को लिखते हैं जे कैप से, और जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश को हम लिखते हैं के कैप से। ठीक है, तो अब इन दोनों सदिशों को अगर हम योग करना चाहें, सॉरी योग नहीं करना, इन तीनों सदिश जो एकांक वेक्टर हैं इनको हम ये बताना चाह रहे हैं कि मान लो हमारे पास 5 न्यूटन का कोई बल है और एक 7 न्यूटन का बल है और दूसरा जो है हमारा तीसरा 12 न्यूटन का बल है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं इस 5 न्यूटन का बल इस यक्ष अक्ष में लगा है, यक्ष अक्ष में 5 न्यूटन का बल लगा है और हम इसको छोटे फॉर्म में, गणित के फॉर्म में दिखाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5i कैप। जरा देखो तो क्या क्या चीज़ें, इस बल, ये जो 5 न्यूटन, इसका क्या क्या मिले, ये क्या है हमारा परिमाण, ये क्या है परिमाण, और ये क्या बता दे रहा है, दिशा। समझ में आ रहा है ना, मतलब ये कि ये जो 5 न्यूटन का बल है, परिमाण 5 न्यूटन का जो बल है वो किस दिशा में लगा है, आई कैप, आई कैप का मतलब यक्स अक्ष की दिशा में लगा है हमारा 5 न्यूटन का बल। ठीक है, अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा ये यानी कि जेड है, अगर ये मान लो 7 न्यूटन का बल इधर लगा है, 7 न्यूटन का, तो हम क्या लिखा देंगे, 7j कैप। इससे सीधा पता चल जाएगा कि 7 न्यूटन का जो बल है वो जे कैप यानी कि वाई अक्ष की दिशा में लगा हुआ है। समझ में आ रहा है, मतलब ये, और अगर मान लो ये हमारा 12 न्यूटन का बल इधर लगा हुआ है तो हम क्या लिख देंगे इसको, 12k कैप, मतलब 12 न्यूटन का बल ये जेड अक्ष की दिशा में क्या हुआ है, लगा हुआ है। तो ये जो तीनों, जो आई कैप यानी देखो यक्ष अक्ष के, अब हम इसको लिख देते हैं, यक्ष अक्ष के समांतर जो दिशा होती है उसको बोलते हैं आई कैप। ठीक है, जे वाई अक्ष के समांतर जो दिशा होती है अनुदिश उसको हम बोलते हैं जे कैप, और जो के कैप के अनुदिश जो दिशा होती है उसको हम बोलते हैं के जेड वाले के। ठीक है, तो ये तीनों अगर कहीं पर लिख दिया कि सीधा आई कैप, आई कैप का मतलब बिना कुछ सोचे आप समझ जाओगे क्या है, वो यक्ष अक्ष की दिशा है। ठीक है, हमने मान लो जैसे कहीं पर लिख दिया ऐसे 4k कैप, ध्यान दीजिएगा 4k कैप,
अब फोर के कैप का मतलब फोर यूनिट, परिमाण उस राशि का कितना है, चार है, हमने कहा परिमाण क्या है उसका चार है, और उसकी दिशा, उसकी दिशा क्या है, के किस में आएगा, जेड में, यानी जेड अक्ष क्या है उसकी दिशा होगी। तो देखो ये हमारे हो गए, अब जो अगला हम पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे सदिशों का वियोजन। अब सदिशों का वियोजन के लिए आपके बुक में या आपने कहीं पढ़ा होगा, बट हम जो पढ़ाएंगे पहले एक ऐसा एग्जांपल देंगे कि आप खुद सदिशों का वियोजन समझ करके कर लोगे अपने आप। सदिशों का वियोजन बहुत ही हल्का है, बस ऐसा लगता है देखने में जरा सा कठिन हो, बट एकदम से आसान चीज़ें होती है। और एक चीज़ और भी है कि अगर आपको, मैं बार बार कहता हूँ, चीज़ें कोई भी कंप्लेंट सजेशंस देना हो आप कमेंट में बता सकते हो, और नोट के लिए इसके मैं आपको नोट प्रोवाइड करा दूंगा, बस आप कमेंट करो कि हाँ मुझे नोट चाहिए। धीरे धीरे मैं और भी वीडियो डालता रहूँगा और कंटिन्यू आती रहेगी वीडियो अब यहाँ पे, ठीक है। और जहाँ तक हो सके अगर आप शेयर कर पा रहे हो अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि इस समय तो बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है, लॉकडाउन में सबकी पढ़ाई बंद हो गई है और बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले भी हैं, यूपी बोर्ड शायद कैंसिल नहीं करेगा अपना बोर्ड एग्ज़ाम, तो आप लोग शेयर करो उनके साथ जिनको ज़रूरत है। और अगर कोई और आपको ऐसे स्पेशल ज़रूरत है कि नहीं हमको ये चीज़ पढ़ना है, तो भी आप उसके लिए बोलो, हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।